हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रो नंबर में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों तो दोस्तों हमारे पास ये इंटेक्स का यह होम थिएटर आया है IT25। ठीक है दोस्तों, 25 नंबर है इसमें, और भी नंबर है तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों जैसे कि हम इसमें इनपुट देते हैं ऑक्स से और आउटपुट लेते हैं, तो दोस्तों आउटपुट में जैसे हम इसे चलाते हैं आधा घंटा या हमारा 10 मिनट या 20 मिनट, तो कट मार के फिर से दोबारा से चालू होता है। तो दोस्तों ऐसे रीजन में क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा वीडियो में, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। तो कभी कभी ये हमारा फुल डेड भी हो जाता है। तो अब मैं इसे बोर्ड में लगाता हूँ और फिर मैं आपको चेक करूँगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने बोर्ड में लगाया, तो अब मैं आपको देख आपके सामने ही देखिए इसमें हाथ मारूंगा तो आप ये नहीं चल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो ये बिल्कुल भी हमारा नहीं चल रहा है। हाथ मारने पे भी पहले चल जाता था, अब हमारा बिल्कुल भी नहीं चलता। तो कभी कभी चल जाता है और कभी नहीं चलता है। तो दोस्तों अब इसे खोल के अभी पहले इसके पीछे देखेंगे दोस्तों, कोई ऐसी हमारी पहले IC तो ख़राब नहीं है या हमारा कोई सा वायर तो हट नहीं रहा है, जैसे कि हम हाथ मारते हैं वो चल जाता है। तो दोस्तों अभी हमारा ऑन है, अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि हमारा चलता है या नहीं, अभी इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमारी। तो मैंने इसे खोल लिया पूरे को, और खोलने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे खोलते हैं और फिर आपको चेक करेंगे। तो दोस्तों बहुत आराम से खोलना होगा जिससे कि कोई वायर ना टूटे आपके। तो यहाँ पे जैसे मैंने खोल रहा हूँ ऐसे ही आपको खोलना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने खोल लिया है, और खोलने के बाद सबसे पहले तो हम वोल्टेज ही चेक करेंगे, क्योंकि दोस्तों ट्रांसफार्म की वजह से भी कभी हमारी चली जाती है कभी आ जाती है, तो ट्रांसफार्म की वजह से भी हमारी ये प्रॉब्लम बन जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें 12.012 की ट्रांसफार्म की वो देखनी पड़ेगी, वोल्टेज पूरी प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। और गाइस हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती रहे डेली। तो दोस्तों मैंने ये बताया आपको 12.012 की वोल्टेज चेक करनी होगी और फिर आपको इसमें आगे का फॉल्ट देखना होगा अगर आपकी ये आ रही होगी तो। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम हमारे किस किस वजह से बन जाती है, पहले हमें AC वोल्टेज पे 200 पे सेट करना होगा मल्टीमीटर को, और 200 पे सेट करने के बाद फिर इसे चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक 0 पे रखेंगे और एक प्रोब ये रेड वाली प्लस पे, यानी कि 11 वोल्टेज आ रही है दोनों। 12.12 पे देख चेक करते हैं हम। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे 11 वोल्टेज आ रहे हैं, 11.9, वही 12 वोल्टेज। तो अब हमें चेक करना होगा यहाँ पे जो 78.05 रहती है। तो दोस्तों ये मैंने मल्टीमीटर को गलत लगा रखा है, अभी मैं इसे सही करता हूँ। तो यहाँ पे हमें इसे 20 वोल्टेज पे सेट करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज पे सेट करेंगे और फिर आपको चेक कराएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमारे गलत दिखा रहा है, अभी मैंने मल्टीमीटर सही नहीं रख रखा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर सही किया और फिर आपको इसमें चेक कराते हैं 78.05 के वोल्टेज कितनी आ रही है आउटपुट। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी 5 वोल्टेज आ रही है, तो प्रॉपर 5 वोल्टेज आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 5 वोल्टेज आ भी रही है और फिर भी हमारा पैनल नहीं चल रहा है। तो दोस्तों फिर हमें क्या चेक करना होगा, ये IC चेक करेंगे, क्योंकि दोस्तों IC शॉर्ट होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम कर जाता है, क्योंकि दोस्तों पैनल खराब वो बंद हो जाता है आगे से, तो उसके वजह से भी हमारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे हमें मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगाएंगे, तो पहले बेस वाली IC चेक करेंगे, फिर ये सैटेलाइट यानी कि स्पीकर वाली आउटपुट स्पीकर वाली। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वो है जिग बेस वाली IC की। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारी वोल्टेज आ रही है प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे चेक करेंगे और यहाँ पे भी हमारी वोल्टेज आ रही है। ठीक है दोनों, इस पर चेक करते हैं चौथे से तीसरे और पाँचवें पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी आ रही थी, तो यहाँ पे भी हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे भी हमारी आ रही है और यहाँ पे भी हमारी आ रही है। अगर हमारी दोस्तों ये ख़राब होती तो हमारी ये वीव साउंड बोल जाता। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे बिल्कुल सब चीज़ सही है। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमारा प्रिंट सही है सब चीज़, 78.05 की भी मैंने आपको वोल्टेज चेक कराई थी, तो वो वोल्टेज भी हमारी ठीक है। तो दोस्तों अब हमें आखिरी पे क्या करना चाहिए, पहले हमें यहाँ से बंद करेंगे और फिर जब हमें यहाँ का फॉल्ट नहीं मिलेगा तो फिर आगे की साइड चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी 5 वोल्टेज मिलती थी, तो अभी मैं आपको एक बार और चेक करा देता हूँ 20 वोल्टेज पे मल्टीमीटर को लगा के, और यहाँ पे मैंने प्लग लगाया बोर्ड में, और फिर आपको चेक कराते हैं दोबारा से कि हमारे 5 वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। तो मैंने 20 वोल्टेज पे सेट किया DC वोल्टेज पे 20 पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी 5 वोल्टेज प्रॉपर तरीके से आ रही है। वो दोस्तों मैंने प्रोब उल्टी रख रखी है, क्योंकि माइनस की जगह हमने प्लस वाली प्रोब रख रखी है, वही रेड वाली, तो यहाँ पे हमें माइनस में दिखा रहा है वोल्टेज। तो दोस्तों इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो 5 वोल्टेज पूरी प्रॉपर तरीके से आ रही है। तो दोस्तों पीछे का तो फॉल्ट है नहीं है, तो अब आगे चलते हैं पैनल पर।
तो अब पैनल पर गए दोस्तों, अब हमें इसे खोलना होगा वो दोस्तों पैनल को। तो दोस्तों इसका बहुत आसान तरीके से खुल जाता है और किसी का नहीं खुलता है, तो उसे पेचकस की सहायता से आप खोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा, तो ये हमारा, अब देखते हैं यहाँ पे, अगर जो हमारे जहाँ पे 5 वोल्टेज आ रही थी, यहाँ पे पहले 5 वोल्टेज चेक करेंगे। हमने सीरीज बोर्ड में लगा रखा है प्लग, और फिर आपको यहाँ पे भी हम पैनल पे 5 वोल्टेज चेक करा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी मैं रखता हूँ इसके नीचे सपोर्ट के लिए कुछ, तो अब 5 वोल्टेज आपको चेक कराऊँगा। तो यहाँ पे हमने मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज पे सेट कर ही रखा है दोस्तों आपके सामने ही। तो यहाँ पे हम आपको चेक करा देते हैं दोस्तों 5 वोल्टेज आ रही है या नहीं, क्योंकि दोस्तों 5 वोल्टेज से चलता है कार्ड। तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर 5 वोल्टेज आ रही है। ठीक है दोस्तों, अब इसे करना क्या होगा दोस्तों, 5 वोल्टेज आ रही है, अब हमें हल्के हल्के जो ये 5 वोल्टेज पर जहाँ पर हमारी ये है जिक, तो यहाँ पर हमें चेक करनी होगी दोस्तों, हिल तो नहीं रही है। तो यहाँ पर हमारी अभी भी हिलाने पर नहीं चला है, तो अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ। और तो सबसे पहले मैं इसके यहाँ पे मैं आपको प्रिंट दिखा देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, अभी मैं थोड़ा जूमिंग करूँगा दोस्तों, ब्लर मार रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारे कुछ डाई होल्डिंग दिख रही है। तो जहाँ पे हमारे 5 वोल्टेज के तार आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी ये हिल रही है पिन यहाँ पर जिक। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे हमारी ये हिल रही है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा था। तो दोस्तों आप पहले इस पर सोल्डिंग करेंगे, फिर इसे आगे की तरफ चेक करेंगे कि हमारा चलता है या नहीं। तो यहाँ पे हमें सोल्डिंग करनी होगी पहले। तो दोस्तों मैंने ये लिया आयरन, और फिर पहले इसे सोल्डिंग करते हैं अभी अच्छी तरीके से, इसे सीधा करके जो जिग रहती है हमारी 5 वोल्टेज वाली, क्योंकि दोस्तों हमारी हिल जाती है या हमारी करंट नहीं पहुंच पाता है इस वजह से, डाई सोल्डिंग होने की वजह से। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम करता है, तो यही प्रॉब्लम इस वजह से आती है दोस्तों। अगर हमारा इस करने से ठीक हो जाता है तो ठीक है दोस्तों, फिर आगे का फॉल्ट देखेंगे। अगर हमारा आगे हुआ तो फॉल्ट उसके वजह से भी कभी प्रॉब्लम कर रहा हो ये, तो पहले इसे ठीक करेंगे फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हम सोल्डिंग कर रहे हैं, और सोल्डिंग करने के बाद आपको इसे चेक कराएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सोल्डिंग अच्छी तरीके से हो चुकी है, तो अब हमें जिग को अच्छी तरीके से लगा देना होगा, और लगा के फिर आपको चेक कराएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें सपा भी करना होगा, जिससे कि हमारा कोई शॉर्ट सर्किट ना बने, आपस में 5 वोल्टेज वाला और माइनस वाला आपस में ना मिले, तो इस वजह से हमें चालू करके अब चेक करना होगा। तो दोस्तों अब इसे पैनल को आगे की तरफ से लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हो इसका मॉडल नंबर IT2595SUF। ठीक है दोस्तों, तो यह है पूरा मॉडल नंबर, अगर आपके पास हो तो आप इसे ठीक कर सकते हो ऐसी। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी बिल्कुल पैनल पर लाइट आ चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑक्स वाला है, ये ब्लूटूथ वाला नहीं है, तो हमने ऑक्स वाले पे लगाया, और फिर आपको मॉड्यूल से अभी इसे कनेक्शन करके दिखाएंगे, कनेक्शन दे के ऑडियो के। तो यहाँ पर हमारी रखी है ऑडियो, ऑडियो वाली यही जो रहती है हमारे दोस्तों LED में लगाते हैं, पहले इसे कस लेते हैं और फिर आपको चेक कराएंगे ये लगा के पिन ऑडियो वीडियो वाली। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने यहाँ पे लगा दिया ये बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो अब यहाँ पे हमें इसे चलाना होगा YouTube पर गाने, तो आपको चेक कराएंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सॉन्ग प्ले किया, और अभी आपको चेक कराएंगे। तो दोस्तों मैं आउटपुट स्पीकर लगाता हूँ अभी आपके सामने, और फिर आपको चेक कराएंगे। तो जैसे कि आपको देख रहे होंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने अभी मैं चला के दिखाऊंगा कि आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पे पैनल पर लाइट आ चुकी है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी फुल है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से रिपेयर हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे सॉन्ग भी प्ले हो रहे हैं, अभी मैं आपको चेक कराऊंगा और बंद करके। तो दोस्तों जैसे कि मैं ऑन कर रहा हूँ और ऑफ कर रहा हूँ, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा मॉड्यूल है जो हम यहाँ पे चेक कराते हैं, इसमें लगा के अगर किसी में ब्लूटूथ ना हो तो ऑक्स से हम चेक करा सके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे ऑक्स पे लग रहा है, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से ये चल चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपके पास ऐसी आता है तो आप इसे ठीक कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत कम मिलती है देखने के लिए। तो ठीक है, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से चल चुका है ये। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।